तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर बेस्ट हो सकता है, क्या एक्सनेस को आप वहां पर यूज कर सकते हो, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और एक्सनेस के अलावा भी कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर बेस्ट हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैक्सिमम वीडियो का आप पूरा देखो और डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक होगा तो आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अपडेट वगैरह शेयर करता हूँ। देखो, आज के टाइम में अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो दुबई हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कोई भी ऐसा कंट्री हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि फॉरेक्स जिस फॉरेक्स ब्रोकर में आप ट्रेड कर रहे हो उसका रेगुलेशन क्या है, उसका फीडबैक क्या है, लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितने सालों से कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। तो अगर हम फीडबैक, कस्टमर सपोर्ट और उसके डिपॉजिट विड्रॉ, इन सब के बारे में, रेगुलेशन के बारे में जानने की बात करेंगे तो एक्सनेस आपको यहाँ पर वेस्ट लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुबई में इसको आप यूज कर सकते हो या नहीं, तो बिल्कुल यूज कर सकते हो। 100% आप एक्सनेस को यूज कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मैंने यहाँ पर एक्सनेस का फीडबैक लिया है। तो सबसे पहले अगर हम रेगुलेशन के बारे में बात करें, एक्सनेस दुबई में रेगुलेटेड है या नहीं और क्या इसमें ट्रेडिंग करने से कोई इश्यूज हो सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी लोगों का ऐसे फीडबैक लिए हैं जो कि आज 10 सालों से एक्सनेस में ट्रेड कर रहा है, वो दुबई में रह रहा है, बट उसके हिसाब से आज तक एक्सनेस में कोई भी इशू, सिंगल इशू यहाँ पर नहीं आए और वो आज भी यहाँ पर एक्सनेस को प्रेफर कर रहा है। तो मैंने जितने भी लोगों से यहाँ पर फीडबैक लिए हैं या उसके वीडियोस वगैरह देखे, वहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि एक्सनेस में कोई भी ऐसा इशू नहीं है अगर आप दुबई से ट्रेडिंग कर रहे हो। मैंने जैसा कि बताया आपको कि लोग 10 साल 5 साल से फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके लिए एक्सनेस को यूज़ कर रहे हैं, बट सिंगल एक भी इशू उसको वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यही अगर हम रेगुलेशन के बारे में बात करें एक्सनेस का, तो एक्सनेस FSA के थ्रू रेगुलेटेड है, CBCS के थ्रू यहाँ पर रेगुलेटेड है, FSC रेगुलेटेड है, इसके बाद देखोगे तो साइप्रस के थ्रू रेगुलेटेड है, FSCA के थ्रू यहाँ पर रेगुलेटेड है, इसके बाद देखोगे तो CMA के थ्रू, JSC के थ्रू रेगुलेटेड है। तो अगर आप टोटल ओवरऑल देखोगे तो एक मल्टी रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर है जो आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। तो कोई अगर ऐसा फॉरेक्स ब्रोकर जो कि मल्टी रेगुलेटेड है और यूरोपियन कंट्री से भी रेगुलेटेड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, तो अगर ऐसे रेगुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, मल्टी रेगुलेटेड है, तो वो दुबई में भी काम कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर से बात किए हैं जो कि आज 10 साल से एक्सनेस को यूज कर रहे हैं, आपने दुबई में यूज कर रहे हैं, और कोई 5 साल से दुबई में यूज कर रहा है एक्सनेस को, बट आज तक उसको कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। यही अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे कि क्या आप एक्सनेस को दुबई में यूज कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, यस, आप एक्सनेस को यूज कर सकते हो। देखो, अगर हम फॉरेक्स ब्रोकर की बात करें दुबई में कि लीगल फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा है, क्या उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो दुबई में बहुत सारे ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर हैं जिसमें आप लीगली काम कर सकते हो, चाहे वो XM ग्लोबल हो, मल्टी बैंक FX हो, इन दोनों का आपको वहाँ पर ऑफिस देखने को मिलेंगे। मल्टी बैंक का भी काफ़ी बड़ा ऑफिस है, होर्डिंग वगैरह लगी हुई है, XM ग्लोबल का भी काफ़ी बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, उसके ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर में काम करना चाहते हो जिसके ऑफिस वगैरह आपको देखने को मिले, आप ऑफिस उसके विजिट करना चाहते हो, तो ऐसे में आप मल्टी बैंक या XM ग्लोबल दोनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर में काम करना चाहते हो जिसके डिपॉजिट एंड विड्रॉल काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, स्प्रेड मिनिमम हो और न्यूज के टाइम में ज़्यादा मैनिपुलेशन ना हो, तो इसके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो है एक्सनेस। आज के टाइम पे देखोगे तो इसके जो डिपॉजिट विड्रॉल है वो किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, चाहे आपके फंड की एक सिक्योरिटी भी यहाँ पर रहती है। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के टाइम पे काफ़ी लोगों से मैंने फीडबैक लिए हैं एक्सनेस का कि दुबई में उसे यूज करते नहीं, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बताया कि एक्सनेस को वो फ्रीली यूज कर सकते हैं, और दुबई में जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर का एक्सपो होता है उसमें भी आपको एक्सनेस का स्टॉल वगैरह देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो आज के टाइम में एक्सनेस एज ए ब्रांड बनकर सामने आता है। अगर आप दुबई के रेसिडेंट हो या फिर आप वहाँ पर काम कर रहे हो, तो ऐसे में बिल्कुल आप एक्सनेस को यूज कर सकते हो। यहाँ पर सिंगल इशू भी नहीं है, डिपॉजिट विड्रॉल का कोई भी इशू नहीं है, आराम से कर सकते हो। नहीं है, डिपॉजिट विड्रॉल के काफ़ी सारे मेथड है, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी, लोकल करेंसी, AED के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एस्ट्रोपे वॉलेट, बहुत सारे वॉलेट है, तो उसके थ्रू आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो।
अब अगर आप पूछोगे कि एक्सचेंज के अलावा कौन से फॉरेक्स ब्रोकर है जहां पर आप उसके ऑफिस विजिट करना चाहोगे, उसके बाद उसमें ट्रेड करना चाहोगे, तो ऐसे में आप एक्सएम ग्लोबल को चूज कर सकते हो या फिर मल्टी बैंक एफएक्स को यूज कर सकते हो। दोनों के ऑफिस आपको यूएई में मिल जाएंगे। अगर इसका एड्रेस चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको एड्रेस भी वहां पर बता दूंगा। बाकी ये फॉरेक्स ब्रोकर भी बेस्ट है, आप इसमें भी काम कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको हो सकता है कि स्प्रेड को लेकर थोड़ा इशू हो, क्योंकि जो स्प्रेड आपको एक्सनेस प्रोवाइड कर रहा है, आई डोंट थिंक कि एक्सनेस जैसा कोई लो स्प्रेड में कोई दूसरा फॉरेक्स ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि फंड बिल्कुल सेफ है, आप इजिली ट्रेड कर सकते हो, थोड़े से स्प्रेड में कम बेसी हो सकता है, बट ये फॉरेक्स ब्रोकर भी बेस्ट है। आप एक्सएम ग्लोबल या मल्टी बैंक दोनों में काम कर सकते हो, दोनों के ऑफिस आपको दुबई में मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एकदम लो स्प्रेड में काम करना है और फास्ट डिपॉजिट विड्रॉल में काम करना है, तो ऐसे में आप एक्सनेस को ट्राई कर सकते हो, बेस्ट है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।